लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, बहुत घमंड था तुझे अपनी कुर्सी का, अपनी पोजीशन का। अब देख ली ना मेरी पोजीशन। तूने एक सरकारी कागज पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए मैंने तेरी जिंदगी पर मौत के हस्ताक्षर कर दिए। ये है मेरी पोजीशन। गुड बाय, आई विल नेवर सी यू अगेन। मिनिस्टर साहब, वो ऑफिसर तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। हमने उस कांटे को जिंदगी की जमीन से उखाड़ कर मौत के कुएं में फेंक दिया है। अब आने वाला ऑफिसर रास्ते का कांटा नहीं बल्कि फूल बनेगा। फूल। मिस्टर साहब, गांव के कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन सा गांव? सोनापुर। सोनापुर? अरे उस सोनापुर गांव को तो मैं मिट्टीपुर बना दूंगा। मिट्टीपुर, मिट्टी में मिला दूंगा उन्हें। सालों ने मेरी पेटी में एक वोट नहीं डाला और अब मैं नेता बन गया हूं तो भीख मंगो की तरह मेरे पास आए। भगा दो सालों को, मेरे पास टाइम नहीं है। पर मिनिस्टर साहब, जनता से मिलने में बुराई ही क्या है? अब बताता उन कीड़ों मकोड़ों को कि मेरी पोजीशन क्या है। चलो। नमस्ते जी। बधाई हो मंजीत सेठ, आप नेता बन गए। बहुत बहुत बधाई हो। हम सोनापुर गांव से आए हैं जी। मालूम है, आगे बको। हुजूर, हमारे गांव ने जो स्कूल बनने की एप्लीकेशन दी थी वो रद्द कैसे हो गई? जो गांव बिना पढ़े लिखे इतना सियाना बन गया है, मेरा दुश्मन बन गया है, मेरी अपोजिशन पार्टी के जूते चाटता है, मेरी पेटी में एक भी वोट नहीं डालता, उस गाँव में मैं स्कूल नहीं शमशान बनाऊंगा, शमशान, और उसमें पूरे सोनापुर गांव वालों को जिंदा जला दूंगा, जिंदा। नहीं नहीं मंजीत सेठ, अब गुस्सा थूक भी दीजिए हुजूर। अच्छा, मेरा गुस्सा क्या किमाम वाला पान है जो थूक दो? कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं नेता की कुर्सी पर हूं तुम्हारे गांव में कोई स्कूल नहीं बनेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई कुआं नहीं बनेगा, कोई अस्पताल नहीं बनेगा। यहां तक कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गांव की बिजली भी कट जाए। तुम्हारे गांव में जो छोटे मोटे पक्के रोड है ना, उन्हें तुड़वा कर कच्चे रास्ते बना दूंगा ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि मुझे वोट न देने की सजा क्या होती है। ये तो घोर अन्याय है। हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो जाओ मेरे खिलाफ आवाज उठाओ, जाओ। अब तो अदालत भी मेरी है, जज भी मेरा है, जज की कलम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है और कानून भी मेरा है, जाओ। मंजीत सेठ, ये मत भूलो कि कानून की अदालत से भी ज्यादा ताकतवर एक और अदालत है, वह जनता की अदालत। देखते क्या हो, मारो साले को। मारो साले को, मारो।
जान से मत मारो। ये जख्म, ये चोटे, ये मेरी तरफ से इन्हें तोहफा है। ये तोहफा इन्हें सोनापुर ले जाने दो, ताकि सोनापुर का बच्चा बच्चा जाने कि मंजीत सेठ से पंजा लड़ाने का अंजाम क्या होता है। जाओ जाओ अपने गांव और बनाओ जनता की अदालत। देखता हूं कौन मुझे सजा देता है। अरे मौसी, अपना शंकर जेल तोड़कर भाग गया है। अब वो मंजीत सेठ को जिंदा नहीं छोड़ेगा मौसी, देखना। हाँ, शंकर भैया जेल तोड़कर भाग गए। हेलो मंजीत, तेरे पापी शरीर का विनाश करने वाला, तेरे काले कर्मों का, तेरी काली दुनिया का सर्वनाश करने वाला शंकर, अब तू चंद सासों का मेहमान है मंजीत खुराना। मासूमों की जिंदगियों पर मौत के हस्ताक्षर करने वाले, तेरे माथे पर मौत का तिलक मैं लगाऊंगा। कल बोर्ड रेस में जीतने वाले को जब तू इनाम देगा, तब मैं तुझे मौत की सौगात दूंगा। मैंने आपके प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, फिर भी आप उस बोट रेस में ना जाएं तो अच्छा होगा। ना मैं दुश्मन से डरता हूं ना मौत से, दुश्मन की गर्दन पर पांव रखकर जीता हूं मैं। मैं बोट रेस में जाऊंगा और 100% जाऊंगा। मगर सर, जेल से भागा हुआ मुजरिम बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? मतलब मैं बुजदिल बन जाओ, कायर बन जाओ, हाथ में चुड़िया पहनकर दरवाजा बंद करके घर में छुप जाऊ? नॉनसेंस। अरे मेरी पोजीशन क्या होगी? मालिक, पोजीशन को मारो गोली, पहले बचने का सोचो। वो छुपने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं छुपना, क्योंकि मारने वाला अगर मारने की सोचे ना तो सचमुच मार देता है। वो आपको मारने आएगा तो मुझे भी मार देगा ना। मैंने क्या किया? मैंने तो आइडिया दिया। सर, मेरी मानिए तो इस साल आप बोट रेस में मत जाइए। बोट रेस में जाना हमारी खानदानी परंपरा है। बरसों से हमारे बाप दादा जीतने वालों को ट्रॉफी देते आए हैं। क्या एक कैदी की वजह से मैं अपनी खानदानी परंपरा तोड़ दूं क्या? लेकिन सर, वो एकदम खुली जगह है जहां बोट रेस है, दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहां है? सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर, मैं आपकी जिंदगी पर रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का इंतजाम करूंगा, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो मौत के तूफान से जिंदगी को बचाने का साहस रखती है, जो खुद एक आंधी है, एक तूफान है, एक जलजला है। नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना।
सिंह के गले में कोई हार नहीं डालेगा। ये क्या किया आपने? सर, ये आपकी सुरक्षा के लिए। बाकी सब इंतजाम तो ठीक है ना? मिनिस्टर साहब, अगर शंकर यहाँ आया, या तो वो गिरफ्तार होगा या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार होगा। आइए सर। मंजीत सेठ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, मंजीत सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंजीत सेठ 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 जिंदाबाद, मंजीत सेठ। इस साल की बोर्ड रेस को आशीर्वाद देने के लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय पधार चुके हैं। अब बोट रेस का कार्यक्रम शुरू करो। अब मैं बोट रेस जीतने वाले से विनती करता हूं कि वो स्टेज पर आए और मंत्री महोदय के हाथों से अपना इनाम स्वीकार करे। चलो जल्दी, हॉस्पिटल ले चलो, कम ऑन।